148, उसमें अलग अलग बेसिस से डिवाइड करके बताया है। पहले जो मैं फॉर्मेट समझाना चाह रही हूँ उसको समझते हैं, फिर आपकी बुक से समझते हैं। ओके, सो व्हाट इज अ वर्ब, राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज अ वर्ब। What is a verb? Quickly. Nobody in the class? Yes, action words. ठीक है, words which show action, action words. ठीक है, action के अलावा छोटा हिंदी क्लास प्रियांशी, एक्शन के अलावा भी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि अकरेंस या स्टेट बी, कोई भी काम कर रहे हैं, एनीथिंग विच डू, एक्शन विच वी डू, समथिंग विच इज हैपनिंग, यस इट इज वर्ब, बट स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ अकरेंस मतलब किसी का होना भी एक वर्ब होता है। हमने वर्ब को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया था, एवरीबडी विल ड्रॉ दिस इन देयर कॉपीज, ग्रामर कॉपीज, मेन वर्ब और सेकंड कैटेगरी क्या होगी, चैट बॉक्स में लिखिए। वर्ब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बेसिकली मेन वर्ब एंड No one? Yeah, thank you, Ishan. Harsha, yes. Helping verb. Helping verb का एक नाम और होता है, we can say auxiliary verbs. Auxiliary is also name of helping verbs. Auxiliary verbs, ये भी helping verbs में होते हैं। अब helping verbs कौन कौन से होते हैं क्या करनी है देखेंगे। main verb क्या होते हैं, helping verb main verb होते हैं जो से किसी action का होने का पता चलता है। The words which explain any action is known as main verb. The words which give us this meaning of existence, they are helping verbs. जैसे एक example लेते हैं, Raj is, what is Raj doing? Give a word, any word. Raj is, no, not responding. Give me any action word. Is playing. I do want him to play all the time. Raj is driving a car. Suppose this is a sentence. Raj is driving a car. What is the noun in this sentence? Give me the noun in this sentence quickly. Yes, Raj is a noun and car is also a noun. यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कौन से noun की हो रही है, काम कौन कर रहा है, who is doing the work in this sentence? Who is doing the work in this sentence? Raj is doing the work. So Raj is the subject. जो काम सब्जेक्ट कर रहा है उसे वर्ब बोलते हैं। नाउ विच इज द वर्ब, सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग इन दिस सेंटेंस, व्हाट इज ही डूइंग, ही इज ड्राइविंग, यस, सो ड्राइविंग इज अ एंड इज आल्सो अ वर्ब। अब क्या फर्क है, ड्राइविंग है मेन वर्ब और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब।
और ये पूरा जो पार्ट है इज ड्राइविंग अ कार, ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट। इस केस में प्रेडिकेट में क्या है? वर्ब है और अ कार, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। Raj is driving a car. So Raj is the subject because he is doing the work in this sentence. And we have find out there are two nouns. Raj is also a noun. Car is also a noun. But the work is done by Raj. And what work is he doing? Driving. So driving is the main verb and is a helping verb. So verb ke do tukde kiye humne. Jis word se action ka hona pata chalta hai. The word which specifies the action which is done by the subject is called the main verb, and the verb which help the main verb is called the helping verb, and it is also Sanskriti stop writing nonsense in the chat box. Helping verbs also give us the meaning of being, a state of being. I do not appreciate writing unnecessary things in the chat box. One more mistake and you are out of my class. Eighth class, what is this? A trend of insulting your teachers? Ab. Main verb bhi do part hota hai. Main verb ke दो पार्ट्स बनाइए. वन वर्ड इज फाइनाइट एंड द अदर इज नॉन फाइनाइट. फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. अब देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वो होता है जो नंबर नंबर पर्सन और टेंस नंबर पर्सन और टेंस से चेंज हो जाता है. देखिए फाइनाइट में फाइनाइट वर्ब चेंज देयर फॉर्म इन करेस्पोंडेंस विथ नंबर पर्सन एंड टेंस. नंबर क्या होता है बताइए इन द चैट बॉक्स. व्हाट इज नंबर इन ग्रामर? नो वन. सिंगुलर प्लूरल This is number. Person का क्या मतलब है इन ग्रामर? वर्ब और टेंस में पर्सन का क्या मतलब है? नो नो. पर्सन का मतलब है फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकेंड पर्सन लिसनर एंड द थर्ड पर्सन द थिंग्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज द पर्सन. टेंस क्या है? व्हाट आर टेंस इन ग्रामर? भव्यांशी व्हाट एवर योर क्वेश्चन इज राइट इन द चैट बॉक्स. टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. सो व्हाट आर फाइनाइट वर्ब्स? फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which change themselves according to the number, which means bracket mein likhiye singular plural, person bracket mein likhiye first person, second person, third person, and tense which means present tense, past tense and future tense. Jo words plural singular mein farak ho jate hain, action words ki baat kar rahe hain, main verbs ki baat kar rahe hain. और पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए दूसरा, सेकंड पर्सन के लिए दूसरा, थर्ड पर्सन के लिए दूसरा, और या फिर टेंस, पास्ट टेंस में कुछ, प्रेजेंट टेंस में कुछ और फ्यूचर टेंस में कुछ. उन वर्ब्स को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स. मैक्सिमम वर्ब्स फाइनाइट कैटेगरी में ही आते हैं.
अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होगा उसका अपोजिट. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स विच रिमेन अनचेंज्ड एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय नंबर पर्सन एंड टेंस. दीज आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नाउ नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. यस दीज वर्ब्स डज नॉट चेंज. प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, चाहे कोई सा भी टेंस हो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या फिर सिंगुलर हो या मेनी पीपल हो, दीज वर्ब्स डज नॉट चेंज. इसके भी तीन टाइप्स होते हैं. कौन कौन से तीन टाइप्स हैं? यस आदित्य, एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन में करूंगी. पहले मैं डायग्राम पूरा ड्रॉ करना चाह रही हूँ, फिर एक एक को अपन डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल एंड विद चार्ट्स. फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द फर्स्ट डायग्राम ऑफ वर्ब. इसके तीन पार्ट्स होते हैं नॉन फाइनाइट के, इन्फिनिटिव, याद है किसी को? इन द लास्ट ईयर वी स्टडीड दिस. यस ईशान, थैंक यू. डिरंज एंड लास्ट इज ओनली ईशान रिमेंबर्स. इन्फिनिटिव, डिरंज एंड पार्टिसिपल. यस ये तीन टाइप्स हैं, इन्फिनिटिव, डिरंज एंड पार्टिसिपल्स. Anybody remembers these? Infinitives में क्या लगता है? Remember? To लगता है. Gerunds में क्या लगता है? ing लगता है. और participle में क्या होता है? यस पार्टिसिपल में. आईएनजी भी लगता है और पास्ट पार्टिसिपल आता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल भी होता है. और ये एज एन एडजेक्टिव काम आता है. ये वर्ब एज एन एडजेक्टिव काम आता है जो पार्टिसिपल होता है. अब जो हेल्पिंग वर्ब थे प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड, योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर. राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट एवर यू वांट टू राइट, व्हाट एवर यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन. पवन राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज. Pavan, write in the chat box whatever the query is. अब ये जो helping verb थे इसके दो parts होते हैं. Main verb के दो part थे finite, infinite. Infinite के तीन part थे infinite, gerunds and participle. यहाँ पे ये खत्म हो गया. हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट हैं. कौन कौन से देखिए, प्राइमरी और मॉडल्स. प्राइमरी एंड मॉडल्स ये किसके पार्ट है? हेल्पिंग वर्ब के हैं. हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट है, प्राइमरी और मॉडल. अब प्राइमरी के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एनीबडी रिमेंबर्स?
बी डू एंड हैव। बी में क्या आएगा? यस, दिस टेबल हैज टू बी देयर इन योर कॉपी। वर्ब के दो पार्ट है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो टेंस, नंबर और पर्सन से चेंज हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, सॉरी मेन वर्ब सारे एक्शन बताते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स बताते हैं अकरेंस, एग्जिस्टेंस। मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वो वर्ब्स होते हैं जो कि नंबर, प्लेस और टेंस से चेंज हो जाते हैं। नॉन फाइनाइट वो वर्ड्स होते हैं जो चेंज नहीं होते, चाहे कोई सा भी प्लूरल, सिंगुलर, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फिर सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो। इसके तीन पार्ट होते हैं, इन्फिनिटिव जिसमें आगे टू लगता है, जिरंड जिसमें आगे आई एन जी लगता है, और पार्टिसिपल जो एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ड्स जो थे उसके दो कैटेगरी है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ड्स के में तीन कैटेगरी है, बी डू एंड हैव। बी एंड हैव, बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। डू का मतलब क्या है? डू, डज, डिड। हैव का मतलब क्या है? हैज, हैव, हैड। और मॉडल का क्या मतलब है? शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड टू, ऑट टू। डोंट वरी, मैं इसका डिटेल में यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माई कॉपी। ईशांत वॉन्ट्स टू जूम इन एंड सी। This diagram should be there in your copy. Verb की definition, then verb का chart, helping verb, main verb. Main verb के दो part है, finite. Quickly take a screenshot of this. Finite, non-finite. Non-finite के तीन participant है, infinitive, participants and gerunds. खत्म. फिर helping verb के दो parts है, primary and models. Primary के तीन part है, be, do or have. Be में आता है, is, am, are, was, were, is, being, been. Do में आता है do, does, did. Have में आता है has, have, had. और models में क्या आता है? फुल पेज दिखाना भी नहीं है, संस्कृति जो दिख रहा है उसको क्लिक कर लीजिए बस। Shall, will, should and may, might, can, could, need, ought to. I will give you detailed explanation in the YouTube. Don't worry about that. So this diagram has to be first page. Now let us talk in detail about each and every point. सबसे पहले बात करते हैं finite की। Can I rub this thing? चाहती wait till Saturday, YouTube पे देख लीजिएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, दोबारा चाहेंगे आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टू यू, सो डोंट वरी। दिस वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस ईयर आल्सो। दोज हु वर देयर इन द 7th बी लास्ट ईयर, रिमेंबर वी हैव रिटन डाउन वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, रिमेंबर? एनीबॉडी रिमेंबर्स दैट? नो, नोबडी रिमेंबर्स। देखिए, ओनली शांत रिमेंबर, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या था? वर्ब के दो पार्ट थे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के भी दो पार्ट थे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब कौन से हैं? जो चेंज हो जाते हैं। क्या चीजें बताई थी मैंने? कंडीशन, किन कंडीशंस में चेंज हो जाते हैं? व्हाट वर द थ्री कंडीशंस दैट आई टोल्ड यू व्हिच चेंजेस द फाइनाइट वर्ब्स? द थ्री कंडीशंस वर
टेंस एंड पर्सन एंड numbers. Yes, only Nishant is studying in the class. Rest of us all are sleeping. Thank you, Tarun. Person ka kya matlab hai? Dekhiye. First person, second person, third person. Remember, singular and plural. ये fill करवाएंगे आप boxes. First person का singular कौन सा होता है? I. ठीक है. फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी. ठीक है. और सेकंड पर्सन का सिंगुलर? यू. थैंक यू करुण. एंड सेकंड पर्सन का प्लूरल? वो भी यू रहता है. यस. सेकंड थर्ड पर्सन का सिंगुलर? थर्ड पर्सन का सिंगुलर, सिंगुलर बेटा वैष्णवी, सिंगुलर आई एम आस्किंग. यस. नेम ही शी इट. ठीक है. या तो किसी इंसान का नाम होगा, या ही होगा बॉय है तो, गर्ल है तो शी होगा, नॉन लिविंग है तो इट होगा. प्लूरल में क्या आ जाता है? यस, दे. अब समझिए, अब समझिए कि एक वर्ब है हेल्प. वर्ब इज हेल्प. तो क्या होगा? आई हेल्प, वी हेल्प, यू हेल्प. और प्लूरल है तब भी यू हेल्प, और एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे? तब भी हेल्प रहेगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, बताइए क्या आएगा? नहीं आते थे ये कॉपी में नहीं करना, बस फर्स्ट चार्ट कॉपी में करना था. बस ये आप लोगों के समझाने के लिए लिख रही हूँ. ओनली तारुण इज राइटिंग द राइट आंसर. थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए मैं आप लोगों को कई बार कह चुकी हूँ, क्या आता है? यहाँ पर आ जाएगा हेल्प्स. एस, एस लग जाएगा, एस या ई एस लग जाएगा जो वर्ब होगी. बाकी सब में हेल्प है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में हेल्प है. यानी कि फाइनाइट वर्ब जो है वो फर्स्ट पर्सन से चेंज हो रहा है, सिंगुलर प्लूरल से चेंज हो रहा है. ठीक है. अब एक बड़ा बनाते हैं अपन, जिसमें देखते हैं टेंस, टेंस है कि नहीं है. कितने तरह के टेंस होते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स. यस, हाउ मेनी टेंस? थ्री. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ठीक है, तीन तरह के चांस है. अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आ रहा था? आई. तो आई और हेल्प का सेंटेंस बताइए. क्या आएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई और हेल्प का सेंटेंस क्या बनेगा? क्विकली राइट डाउन. आई
नहीं, हेल्प हेल्प इज द वर्ब, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस है, आई हेल्प, ठीक है, ये पास्ट टेंस ध्यान रखेंगे तो आई हेल्प्ड, या अपन कैसे लिख सकते हैं, आई वॉज हेल्पिंग, आई वॉज हेल्पिंग, प्रेजेंट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में कैसे सेंटेंस बनेगा हेल्प का, आई हेल्प, ठीक है, आई हेल्प या आई एम हेल्पिंग, ठीक है, बिल्कुल आई एम हेल्पिंग, और फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में क्या, आई के साथ हमेशा शैल लगता है, ये याद रखेंगे, फर्स्ट पर्सन में फ्यूचर में मतलब आई और वी दोनों में हमेशा शैल लगता है, विल नहीं लगता है, विल इज अ रॉन्ग इंग्लिश, आई शैल हेल्प, आई शैल हेल्प या आई शैल बी हेल्पिंग, प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों आ गए इसमें, आगे के लिए आ गए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल अगर है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, उसमें क्या आ जाएगा, वी, वी का पास क्या हो जाएगा, वी हेल्प या हेल्पिंग होगा तो क्या हो जाएगा, वी, अगर मैं लिख रही हूं हेल्पिंग तो क्या आएगा, जैसे आई वॉज हेल्पिंग था तो यहाँ यस इशांत, वी वर हेल्पिंग, वर हेल्पिंग, प्रेजेंट टेंस में आइए, वी, प्रेजेंट टेंस में हेल्प क्या हो जाएगा, वी हेल्प, वी हेल्प, या फिर हम क्या कर सकते हैं, आई एम हेल्पिंग की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर कंटिन्यूस में, वी आर हेल्पिंग, यस वी आर हेल्पिंग, अब फ्यूचर में आइए, वी के साथ भी शैल लगेगा, वी शैल हेल्प, वी शैल हेल्प, और दूसरा क्या होगा, We shall be helping. Be helping. Present tense हो गया और simple tense और continuous. अब second person. Second person जब singular है. Second person का क्या word था? You. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू हेल्प, यू हेल्प, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा, यू हेल्प, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, यू विल हेल्प, इस स्टेज में किसी को समझ में नहीं आ रहा तो रेज योर हैंड, अब सेकंड पर्सन प्लूरल है तो क्या होगा, सेकंड पर्सन प्लूरल मतलब एक से ज्यादा तो क्या होगा, वर्ड, वर्ड वही रहेगा यू, पास में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, You were helping, क्योंकि एक से ज्यादा है, You are helping,
एंड यू विल बी हेल्पिंग. ये टेबल किसी को समझ में नहीं आ रही है तो क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू. हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वर्ब के दो पार्ट थे, कौन कौन से, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब के भी दो पार्ट्स थे, कौन से, इन्फिनेटिव एंड नॉन इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि टेंस, नंबर और पर्सन के हिसाब से बदल जाता है. हम सिर्फ वो चार्ट बना रहे हैं जिसमें कि इनफाइनाइट वर्ब्स, नंबर मतलब सिंगुलर प्लूरल, पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और टेंस मतलब कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में कैसे कैसे बदलते हैं. हम सिर्फ ये देख रहे हैं. नाउ थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आएगा, नेम पर्सन, ही शी इट. तो क्या हो जाएगा पास्ट प्रेजेंट में, क्या हो जाएगा, ही शी इट, क्या हो जाएगा. अभी छोटे वाले टेबल में क्या बनाया था, हेल्प्स, एस आएगा. इस पे ध्यान देंगे हमेशा, एस, हेल्प्स प्रेजेंट टेंस में. पास्ट में क्या हो जाएगा, नोबडी. पास्ट में क्या हो जाएगा, ही शी इट, ही शी इट हेल्प्ड. या फिर वॉज हेल्पिंग, यस वॉज हेल्पिंग भी आएगा. इसी तरह से प्रेजेंट टेंस में ही शी इट हेल्प्स एस या फिर इज हेल्पिंग. क्या आ जाएगा फ्यूचर में, ही शी इट विल हेल्प, यस विल हेल्प. या फिर कंटिन्यूस में क्या आएगा, ing लगाएंगे हेल्पिंग, तो हेल्पिंग के साथ क्या आएगा, विल बी हेल्पिंग. विल बी हेल्पिंग, विल हेल्पिंग कुछ नहीं होता प्रियांशी, विल बी हेल्पिंग, बी वर्ड यूज हो जाता है उसमें. अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो क्या आता है, दे, दे के साथ जोड़िए. दे पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या आएगा, दे हेल्प, यस दे हेल्प या वर हेल्पिंग. इसी तरह से प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, दे हेल्प या आर हेल्पिंग. फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, फ्यूचर टेंस में दे विल हेल्प. और अगर आईएनजी लगाएंगे तो अभी मैंने बताया बी वर्ड यूज होगा, दे विल बी हेल्पिंग. हमने सिर्फ एक वर्ब यूज किया था हेल्प, और हमने देखा कि हेल्प इज अ फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर, सिंगुलर या प्लूरल, चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, टेंस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है तो उसके साथ प्रेजेंट में होता है या आई एम हेल्पिंग. फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हो जाता है वी,
तो वी के साथ आता है वी हेल्प या वी आर हेल्पिंग. सेकंड पर्सन सिंगुलर इज यू एंड सेकंड पर्सन प्लूरल इज आल्सो यू. तो क्या आएगा, यू हेल्प या यू आर हेल्पिंग. थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, नेम ऑफ अ पर्सन हेल्प्स एस. इसका ध्यान रखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब के साथ एस लगता है, हेल्प्स या फिर लिखेंगे इज हेल्पिंग. थर्ड पर्सन प्लूरल, प्लूरल मतलब मोर देन वन पर्सन, दे आर हेल्पिंग या दे हेल्प. इज दिस क्लियर. पास्ट को सिंपली पास्ट करना, फ्यूचर में विल लग जाएगा. सिर्फ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा शैल लगता है. आई शैल, वी शैल, बाकी सब में विल लगता है. इज दिस टेबल क्लियर. किसी को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए. इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज अनदर वर्ड. किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल. सिंपली हमने ये बोला है कि फाइनाइट वर्ब किस तरह से चेंज होता है. If you want, you can write this. No problem. This is for your own explanation. Write in the chat box if there is any doubt. See, copy में लिखने को आप stress मत लो कि आपके copy complete हो. आपके दिमाग में concept clear होना चाहिए. Concept should be very clear. इसमें important क्या है? दो चीजें आपने आज सीखी. Third person singular में verb के साथ s लगता है और फर्स्ट पर्सन आई या वी हो तो उसमें शैल लगता है. एनीथिंग न्यू दैट यू हैव लर्न टुडे? एवरीथिंग एल्स यू ऑलरेडी न्यू? यस और नो? थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लगे के साथ और आई और वी के साथ हमेशा शैल लगेगा. सिर्फ दो चीजें हैं जिसमें हमें ध्यान देना है. इज द रेस्ट ऑफ द थिंग क्लियर विथ यू? कैन आई रब दिस? Yes, I will explain this table on the YouTube. Don't worry. Everything which I am teaching you right now on the board will be detailed explained on the YouTube. You can pause it and listen to it again. There are no problem at all. This is just for your understanding. Copy mein karna hai, nahi karna hai, is pe focus mat karo. Understanding pe focus karo. I help. I am helping. First person singular. First person plural. We help, we are helping. Third person singular, you help. Third person plural, you are helping. Third person singular mein name, he, she, it helps us. I'm putting a lot of emphasis on this thing is why? Because most of the students, even when you become elder, you will speak a wrong English. If you don't know the common rules, you will always make mistake in your speaking. Is helping. Plural, third person plural is they help or they are helping. Always remember, shall would be used with I and we. So is this clear? Now let us go to non-finite. किस तरह से change होता है verb वो हमने देख लिया. Yes or no? नॉन फाइनाइट में है इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स एंड जेरंड्स. ये नॉन फाइनाइट कहां से आया? वर्ब है टू पार्ट्स, सेंसिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. मेन वर्ब अगेन है टू पार्ट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. फाइनाइट वर्ड्स आर दोज वर्ड्स हु चेंज देम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस. व्हिच आर द थ्री कंडीशंस? टेंस, नंबर एंड पर्सन. द इनफाइनाइट
does not change, does not change. चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो या कोई भी टेंस हो, they do not change themselves, they do not change. इसके नॉन इंफिनिटिव के तीन पार्ट्स थे, क्या क्या पार्ट्स थे इंफिनिटिव? Gerunds and participle. Non-finite verbs, infinitives में क्या होता है? To के बाद verb जुड़ जाता है. Gerunds में क्या होता है? Verb के बाद ing लग जाता है. And participle में क्या होता है? ing है या फिर ing लगता है या फिर past participle लगता है. और ये बन जाते हैं, यस इशांत यू राइट, एडजेक्टिव्स. कैसे? देखिए अब समझते हैं. इन्फिनेटिव्स का एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल बताइए इन्फिनेटिव्स का क्विकली. टू के साथ अगर कोई भी वर्ब लिखते हैं तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है. इन्फिनेटिव्स आर माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट. टू, टू रीच, टू बिकम, टू प्ले, ये वही वर्ब्स थे जो अगर टू नहीं लगाएंगे तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन इंफिनिटिव में टू के साथ लगने पर इनमें कोई चेंज नहीं होता. चाहे आप पास्ट टेंस में बोले, चाहे आप फ्यूचर टेंस में बोले, ठीक है, आई के लिए बोले, वी के लिए बोले या यू के लिए बोले, टू प्ले विल रिमेन टू प्ले. तो उसमें आएगा टू हेल्प, जो आपने एग्जाम्पल दिया ना बेटा, उसमें आएगा टू हेल्प. ये याद रहेगा, टू के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहती है. जिरेंस में क्या हो जाता है? Leading, walking, and give me more examples. Leading, walking, and going, teaching. इन लोग इनके साथ भी ing मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी जिसमें भी आईएनजी लगता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है. ये कोई से भी टेंस में हो, ये कोई से भी नंबर का हो, कोई से भी पर्सन का हो, चेंज नहीं होगा. रीडिंग्स या सफरिंग, राइटिंग, राइडिंग, ये सारे जिरेंस कहलाते हैं. अब पार्टिसिपल में देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं. ये कैन आई हैव दिस टू बॉइल्ड पोटैटोस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एनीथिंग.
यस यू आर गिविंग पार्टिसिपल का ओके. या तो हमने कह दिया ड्राइंग मैन, मरता हुआ आदमी, इसमें डाई के साथ आई एन जी लग गया है, ये हो गया इस मैन का एडजेक्टिव, कैसा आदमी, मरता हुआ आदमी. या फिर है बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड में क्या लग गया, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, याद है आपको गुड बेटर बैड, तो लास्ट थर्ड कॉलम का आ गया बॉइल्ड, तो थर्ड आ गया ना पास्ट पार्टिसिपल, ये भी एक वर्ब है, पर ये यहाँ पे कैसा काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्यों, क्योंकि पोटैटोज नाउन है, किस तरह के पोटैटोज हैं, बॉइल्ड पोटैटोज. यहाँ पर आईएनजी का एग्जांपल देख लिया हमने, पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल देख लिया, और मूविंग बस, टॉर्न शर्ट, टॉर्न शर्ट. अब टॉर्न जो है ये टीयर का पास्ट पार्टिसिपल है, और यहां पर शर्ट का एडजेक्टिव है. इसी तरह से फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड में क्या लग गया है, आई एन जी. आई हैव अनदर क्लास एंड सो डू यू, सो वी लीव इट हियर एंड वी विल एक्सप्लेन इट अगेन इफ यू वॉन्ट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सर.